हेलो दोस्तों, स्वागत है चैनल वेल्थ एंड मोर। ये वीडियो में बात करेंगे टाटा पावर इस स्टॉक के बारे में, जिसने अभी रिसेंटली हाई बनाया था 268 का। 268 से गिर के अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 214.50 का, जिसमें 3.40% का गिरावट है। तो ये अगर मैं गिरावट कैलकुलेट करूँ तो ये अराउंड होता है 25% का करेक्शन ये स्टॉक में ऑलरेडी हो गया है। तो हमको इस स्टॉक में करना क्या चाहिए? अभी इस स्टॉक में थोड़ा गिरावट है, थोड़ा रिट्रेसमेंट है। इसका आरएसआई अभी भी स्ट्रॉन्ग है, मंथली डेली और वीकली। स्टॉक फिर भी अभी बुलिश है, क्योंकि सिंस इसमें अभी रिट्रेसमेंट है। मैं जो रिट्रेसमेंट बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं अभी आपको हाईलाइट करता हूँ। जब भी स्टॉक में रैली लगाया है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ ही है। अगर यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँ बहुत जगह पे, यहाँ पे आप देखो, ये स्टॉक ने रैली किया, देन उसने रिट्रेस किया, वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, देन अब गया, रिट्रेसमेंट हुआ, अब गया, रिट्रेसमेंट हुआ, अब गया, रिट्रेसमेंट हुआ, अब गया, रिट्रेसमेंट हुआ। यहाँ पे थोड़ा नीचे आया था, बट उसने प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होके। तो रिट्रेसमेंट ये पार्ट होता है दोस्तों, ये स्टॉक का जो भी अपवर्ड जर्नी है, रिट्रेसमेंट एक पार्ट होता है, क्योंकि जो भी प्लेयर एंट्री करता है वो एग्जिट भी करना चाहता है। सिंस ये स्टॉक काफ़ी मल्टीबैगर साबित हुआ है, यहाँ पे उसने 27 का जो लो लगाया था, 27 से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 200 का जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा रिटर्न्स होता है। यहाँ पे कोरोना के टाइम पे 27 पे था, और ये अभी जो 200 का लेवल, अराउंड 600-700% का रिटर्न से स्टॉक ने अभी दे दिया है। तो इतना बड़ा रैली होने के बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन ये स्टॉक में होगा। ये स्टॉक का न्यूज़ फ्लो अच्छा है अभी, तो मुझे लगता है ये स्टॉक अपना जो 500 का टारगेट है, जो मैंने अभी आपको वीडियोस में दे डाला है, वो अचीव करेगा, बट एकदम से नहीं करेगा, रिट्रेसमेंट होगा। अगर आपने पोजिशन बनाई है, अगर स्टॉक अच्छा है तो आप इसमें होल्ड करो, आप उसको अभी लॉस बुक मत करो और एवरेज भी मत करो, क्योंकि रिट्रेसमेंट में वो थोड़ा नीचे भी आ जाएगा। तो आपका जो भी कैपिटल है उसके हिसाब से आप उसको एवरेजिंग का सोच सकते हो, बट अभी आप उसको एवरेज मत करो। आप 200 के लेवल पे अगर वो जाता है पैनिक में, जो कि एक अच्छा खासा करेक्शन होता है 260 के लेवल से, देन आप उसमें सेकंड लॉट बाय करके उसमें एवरेजिंग का सोच सकते हो, बट अभी आप एवरेज मत करो। आपका जो भी पोजीशन है उसको कैरी करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो है, कोई भी पोजीशन बनाने के पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। थैंक यू।